रुड़की से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उत्तराखंड में करोड़ों की छात्रवृत्ति घोटाले में पुलिस ने हिमालयन दून एकेडमी के संचालक को गिरफ्तार किया है। तो कॉलेज संचालक ने करीब 2.5 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। एसआईटी ने कॉलेज संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। संचालक की गिरफ्तारी से कई कॉलेजों के मालिकों में अफरा तफरी मची है। तो पुलिस ने संचालक को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। जिले में एसआईटी ने कई कॉलेज के खिलाफ जांच कर करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति घोटाले का खुलासा किया था। एसआईटी की तरफ से इन कॉलेज मालिकों के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया गया था। एसआईटी ने क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव में स्थित हिमालयन दून एकेडमी में भी करीब 2.5 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा था। साथ ही कॉलेज संचालकों राजीव भारद्वाज और गौरव रत्न शर्मा पुत्र सुदेश कुमार शर्मा निवासी चाफ मंडी रुड़की के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था। तो केस दर्ज होने के बाद कॉलेज संचालक भूमिगत चल रहे थे। तो एसआईटी ने संचालक के खिलाफ यह मामला दर्ज करवाया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए संवाददाता आरिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ, इस पूरे मामले को लेकर ताजा अपडेट लेना चाहेंगे इस कार्रवाई पर। देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड में छात्रवृत्ति घोटाले से कॉलेज मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है, करोड़ों के घोटाले अभी तक सामने आ चुके हैं। एसआईटी लगातार जांच कर रही है। वहीं जिस तरीके से भगवानपुर के हिमालय दून एकेडमी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें सामने आया था कॉलेज ने 2.5 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति जो 2014 और 17 के बीच दी गई थी उसमें गड़बड़ जाना सामने आया था, जिसके चलते एसआईटी की टीम ने जो संचालक है गौरव, जो रुड़की के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया है। हालांकि जो कांग्रेसी नेता है अशोक चौहान, वो ग्रीनवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के मालिक है, उनके खिलाफ भी पुलिस ने जो है मुकदमा दर्ज किया है। और अब पुलिस जिस तरीके से लगातार जांच आगे बढ़ रही है, अब गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए हैं उनके, अभी और लोगों को भी पुलिस गिरफ्तार जल्द कर सकती है। चलिए आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।